दोस्तों, सतना महाराष्ट्र में एक बड़ी शानदार कुश्ती हुई सिकंदर शेख और भोला पंजाबी के बीच में, और कुश्ती का इनाम था 5 लाख रुपए दोस्तों। और सिकंदर शेख ने ये कुश्ती जो है जीतकर 5 लाख रुपए का इनाम जीता। सिकंदर शेख को बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, यही सतना महाराष्ट्र के कुश्ती मैदान में और एक शानदार कुश्ती हुई। कुश्ती का इनाम था 3 लाख रुपए और ये कुश्ती हुई मौली जमदाड़े और योगेश पवार के बीच में। और दोस्तों, इस कुश्ती में मौली जमदाड़े ने योगेश पवार को हराकर 3 लाख रुपए अपने नाम किए। दोस्तों, आते हैं अगली न्यूज पर, और ये है लासर लुधियाना पंजाब में हुए दंगल की, जिसमें धर्मेंद्र कुहानी और परवेश बहादुरगढ़ दोनों भारत के श्री पहलवाने के बीच शानदार कुश्ती हुई, जो कि जो टाइम दिया होता है उसके पूरा होने पर छुड़ा दी गई और कुश्ती को बराबर घोषित किया गया। दोस्तों, कर्नाटका साउथ में है, वहां पर एक शानदार कुश्ती दंगल हुआ, जिसमें सिकंदर शेख पहलवान ने कमलजीत सिंह पहलवान को हराकर कुश्ती अपने नाम की। दोस्तों, पंजाब के ही एक शानदार दंगल में पथरेड़ी जट्टा गांव में यह दंगल हुआ है, और इसमें कमलजीत दूमछेड़ी पहलवान है भारत केसरी और प्रीतपाल फगवाड़ा शानदार पहलवान है पंजाब के, दोनों के बीच शानदार कुश्ती हुई और ये भी 30 मिनट चली। कुश्ती का फैसला नहीं हुआ तो कुश्ती को बराबर घोषित किया गया। दोस्तों, प्रीतपाल फगवाड़ा ने शैंटी बारन को चित किया है। कलसिया राजकोट दंगल में दोस्तों धर्मेंद्र कुहाली ने आनंदपुर साहिब कबड्डी टूर्नामेंट में कुश्ती दंगल हुआ था, वहां परवेश बहादुरगढ़ को हराया। दोस्तों, आते हैं अगली न्यूज पर, और ये न्यूज है पहलवान प्रवीण कुहाली और गौरव मछिवाड़ा के बीच हुई कुश्ती की। ये भिटवे दंगल है पंजाब का। ये कुश्ती भी दोनों दोस्तों 30 मिनट से ऊपर चली और बराबरी पर छूटी। दोस्तों, अगली न्यूज है पहलवान बाला रफीक, जो कि महाराष्ट्र के शानदार पहलवान है, और युधिष्ठर उत्तर प्रदेश के शानदार पहलवान है, और ये कुश्ती बड़ी शानदार हुई, और ऐसा लगता है कि बाला रफीक पहलवान ने युधिष्ठर पहलवान को चित कर कुश्ती जीती, लेकिन शायद रेफरी ने इस कुश्ती को दिया नहीं और थोड़ा सा कुश्ती में जो है कन्फ्यूजन हुआ है, और जिसके बाद उसके बाद जो है युधिष्ठर पहलवान को जो है विनर घोषित किया गया। दोस्तों, ऐसी एक शानदार कुश्ती हुई पहलवान मौली कोकाटे के बीच में और मोनू पहलवान जो है दिल्ली के बीच में। इस कुश्ती में जो है ऐसा लगता है कि मोनू पहलवान जो है इंजर्ड हुए हैं और कुश्ती को जो है बीच में छोड़ाना पड़ा। दोस्तों, पहलवानों को चोट लगती है तो दर्शकों के लिए जो बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा, बड़ा खुशी का टाइम नहीं होता ये। और ऐसी एक कुश्ती हुई है मौली जमदाड़े पहलवान और बाला रफीक शेख के बीच में। 3-4 मिनट चली थी कुश्ती और इसमें जो है बाला रफीक को जो है चोट लग गई और मैच को जो है ड्रॉ करना पड़ा। दोस्तों, बात करते हैं आलमगीर पंजाब में हुए दंगल की। बहुत शानदार अखाड़ा भी है आलमगीर में,
और यहाँ पर कुश्ती हुई है रवि रोणी और मुकेश कोहली के बीच में, जो कि तय समय तक तो बराबरी पर रही, उसके बाद पॉइंट्स पर रवि रोणी जो है विजयी रहे। दोस्तों भिटवाड़ कुश्ती दंगल में ही रवि बेहरा और प्रिंस कोहली के बीच एक शानदार कुश्ती हुई जो कि बराबरी पर रही। दोस्तों नवी मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ के कुश्ती मैदान में, ये घरसोली कुश्ती मैदान जो है, यहाँ पर शानदार कुश्ती हुई है भारत मदने और कौतुक दाफले के बीच में, जिसमें भारत मदले ने कौतुक दाफले को हराकर कुश्ती अपने नाम की। दोस्तों आते हैं अगले न्यूज पर, और यह बानखेड़े कुश्ती दंगल में, जहां उत्तर प्रदेश के शानदार पहलवान शाकिर नूर और कौशल पहलवान ग्वालियर के बीच कुश्ती हुई जो बराबरी पर रही। दोस्तों एक और इंजरी की खबर है, सुरजीत रियासी और आमिर खान, इन दोनों के बीच में शानदार कुश्ती हुई। आमिर को इंजरी हुई है और उन्हें दंगल से बाहर जाना पड़ा, और सुरजीत मान को जो है जीतू घोषित किया गया। पहल अखनूर में दंगल हुआ शानदार, जिसमें निसार डोडा और फारूक के बीच शानदार कुश्ती हुई। कुश्ती में थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई, जिसकी वजह से फारूक अखाड़ा छोड़कर चले गए और निसार डोडा को जीतू दिया गया। इरा दंगल में रवि बेहरा और रोजी कपूरथला के बीच छुट्टी पर कुश्ती हुई जो कि बराबरी पर छूटी। दोस्तों महाराष्ट्र के एक शानदार कुश्ती दंगल में मौली कोकाटे पहलवान ने हर्षद सदगीर को हराकर कुश्ती अपने नाम की अकलुज कुश्ती मैदान में। दोस्तों शानदार पहलवान है कलवा गुजर और उनकी कुश्ती हुई है महिंद्रा गायकवाड़ से। महिंद्रा गायकवाड़ ने कल्लू गुजर को हराकर कर्नाटका में कुश्ती अपने नाम की। दोस्तों बात करते हैं अखनूर दंगल की, धारा अर्धान पाली में यह दंगल हुआ है। बाबा फरीद और बीनिया जम्मू के बीच शानदार कुश्ती हुई है, जिसमें बाबा फरीद ने बीनिया जम्मू को हराकर कुश्ती अपने नाम की। दोस्तों आलमगीर के ही कुश्ती दंगल में शानदार कुश्ती हुई है सोनू सारसा और बट्टा जस्सा मरोड़ के बीच में, जिसमें सोनू सारसा ने बट्टा जस्सा मरोड़ को हराकर कुश्ती अपने नाम की। दोस्तों एमपी मध्य प्रदेश के एक कुश्ती दंगल में, बनखेड़ी मध्य प्रदेश के कुश्ती दंगल में, उत्तर प्रदेश के पहलवान अभिनायक ने पुणे के पहलवान सचिन को हराकर कुश्ती अपने नाम की। दोस्तों एक चलती हुई कुश्ती में बाबा डोमाना पहलवान ने रियासी के सुरजीत पहलवान को हराकर कुश्ती अपने नाम की। दोस्तों शानदार पहलवान है भूपेंद्र अजनाला और रोजी कपूरथला, और इनकी एक शानदार कुश्ती हुई जिसमें भूपेंद्र अजनाला पॉइंट्स पर जीतू रहे। दोस्तों पंजाब आनंदपुर साहिब में शानदार कुश्ती दंगल होता है, और इस दंगल में हरप्रीत सिंह, इनको बिल्ला पहलवान भी कहते हैं, इन्होंने 85 किलोग्राम कैटेगरी में पंजाब केसरी खिताब जीता है। मोनू पहलवान सेकंड रहे, नवजोत सिंह पहलवान इसमें तीसरे नंबर पर रहे।
दोस्तों एक शानदार कुश्ती हुई मुन्ना और जगदीश के बीच में, जिसमें मुन्ना पहलवान ने जगदीश राजपूत को हराकर कुश्ती अपने नाम की। दोस्तों अखनूर के ही कुश्ती दंगल में मेजर डेरा बाबा नानक ने शेंटी बारन को हराकर कुश्ती अपने नाम की।